नमस्कार, जय हिंद। और अभी रात के 1:15 हो रहे हैं और हम लोग यहाँ शांति नगर में मिसेस मेघा तामने के घर में मैंने इनको बुलाया। मेरे को एक छोटा सा सांप मेरे टेबल के ऊपर दिखा और मेरे को लगा वो लेस होगी, पर मैंने डर के मारे उसको छुआ नहीं, टॉर्च से देखा तो जब हिलने लगा तब मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि ये शायद यहाँ अपने बेडरूम में सांप है। बिल्कुल सोने ही जा रही थी पर मेरी नींद उड़ गई सांप है सुन के, तो मैंने तुरंत इनको कॉल किया, मेरे पास नंबर था। तो इस तरह से इन्होंने अब हमारे यहाँ सांप देखते हैं, अंदर जा रहे हैं, सांप कैसे क्या है वो अब देखते हैं। चलिए, अब हम लोग बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है तो चलिए हम लोग रेस्क्यू करते हैं। हाँ, मैं तो ऐसे कर नहीं, मैंने अकेले में कई बार सांपों को ये मतलब इस बेडरूम में सांप देखा क्या है बोल रहे हैं आप लोग बेडरूम में कहाँ पर देखा है सांप? ये टेबल के नीचे टेबल के पास यहाँ पर जी। यहाँ से तुम्हें आया होगा ये, मतलब ये जो मेरा थोड़ा सा खुला है यहाँ पे एक कॉमन कुकरी है। मैं तो बोल रही थी भगवान छोटा ही रहे, पर ये बड़ा हो सकता था ना बच्चा? नहीं, वो बैठ के रहता है। इसका नाम क्या है? सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना पड़ता है, पिछले 22 साल में साफ सफाई में अंदर आ जाता है। सांप साफ सफाई में भी अंदर आ जाता है। हाँ, जल्दी रहता है जहाँ गंदा रहता है। ये मैं इसीलिए रात में मतलब दिन भर लाइट चालू रहती है। झाड़ी वगैरह जो है ना पीछे झाड़ी वहाँ कहीं ये रहता होगा। ये तो जी आजकल नहीं है, ये पहले से आगे बैठा है। ये 2 दिन का हो सकता है। सांप रेस्क्यू हो चुका है। ये एक कॉमन कुकरी है जहाँ इसको लोकल में बेलिया करैत के नाम से जाना जाता है। और ये कह रहा है छत्तीसगढ़ का इसको सबसे टॉप सबसे जहरीले सांपों की गिनती में रखा जाता है। लोग अपने डर में इसको तुरंत देखते से ही मार देते हैं, लेकिन अगर इसकी रियलिटी बताई जाए तो ये बहुत ही शांत और बिल्कुल मतलब सीधा सांप है जो बाइट करने के लिए तुरंत तैयार है। ये कॉमन कुकरी है, बिल्कुल भी इसमें किसी प्रकार का कोई जहर नहीं होता है। इसको करैत की स्पीसीज समझा जाता है। पर देखिए इसकी पहचान है कि ये ब्राउन में थोड़ा सा ग्रीनिश शेड लेकर इसे ब्लैक पट्टी है, ये देखिए। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता है। मेरे को यही लेस लगी, मेरे को मैं बोली छूने ही वाली थी तो मैं बोली लेस है, मैं टॉर्च से पहले देखती हूँ, पर चमक देखी ना वैसे मैंने कहा कि ये सांप है करके। अगर मैं नहीं पहचानती तो रात भर हमारे घर में रहता है। ध्यान से इसके हेड को देखिए, इसके हेड पे ब्लैक से वी पैटर्न बना हुआ है, जबकि जो ओरिजिनली करैत है कॉमन करैत वो हमेशा ब्लैक में वाइट रहेगा। और उसके सर से लेकर उसके गले तक किसी भी प्रकार का कोई लाइन नहीं दिखेगा, अगर दिख गया तो हल्का वाइट कलर का डॉट। और बाकी पूरे उसके गर्दन से लेकर उसकी पूंछ तक की पूरी बॉडी में ब्लैक पे वाइट स्ट्रिप दिखेंगे आपको। अब याद रखिएगा ये चीज़ कि ये बिल्कुल भी जहर वाला सांप नहीं है, तो इसको प्लीज़ मारिएगा मत। ये आपके घर में नॉर्मली शिकार या बारिश के दिनों में सूखा के चक्कर में ये घुस जाता है, तो बस आप अपने आसपास जगह को साफ रखिएगा। और जब भी सांप दिखता है तो घबराइए मत, स्नैक बाइट होता है तो सीधे हॉस्पिटल जाइए। अपने आस पास देखिए, इस सांप ने मेरे को बाइट किया है। अगर ये करैत होता तो अभी हम लोग इतना इजीली यहाँ पे स्पीच नहीं दे रहे थे, तुरंत हम लोग हॉस्पिटल जाते, लेकिन ये करैत नहीं है, ये कॉमन कुकरी है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, सांप को पहचानिए आप। आज एक छोटा सा सांप हम लोग जब सोने जा रहे थे तो उस समय मेरी वाइफ ने अचानक देखा
मैंने भी आके देखा और जब तक मैं कुछ कोई डंडा या कुछ और इंस्ट्रूमेंट लेने गया तब तक ये गायब हो गया था। लेकिन हम लोग ऐसे दबाव में नहीं आए थे, लेकिन चूंकि सांप है और उसके रहते तो हम लोग सो नहीं पाते, इसलिए हमने रेस्क्यू टीम को कॉल किया और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ पूरी टीम का कि मेरे ख्याल से करीब करीब 20 मिनट के अंतराल में वो टीम पहुँच गई और 5 मिनट के अंदर अंदर उसको सांप को उन्होंने रेस्क्यू कर लिया। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। इस बारे में मैं भी बोलना चाहूँगी कि मैंने इस बेटी के बारे में मैंने व्हाट्सएप के जरिए मैंने सुना था और मैं इस चीज़ को ठान ली थी कि अब कभी भी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बुलाऊंगी, तो वो मौका मेरे को भगवान ने जल्दी दे दिए पर मैं बहुत डरपोक हूँ और इसलिए चूँकि रात का समय था इसलिए मैं सोच रही थी शायद आप नहीं आ पाएंगी, पर मेरे को मेरे दामाद ने भी बताया था कि ये लोग कभी भी बुलाओ ये लोग हाजिर रहते हैं और ये बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं हमारे बिलासपुर के लिए। इससे बढ़कर मतलब और अच्छी बात क्या हो सकती है। पूरी टीम बधाई के पात्र है और हमारा बिलासपुर हमेशा जागरूक रहा है हर एक को सेवा देने के लिए। मैं बिलासपुर की ही बेटी हूँ और मैं पिछले 65 साल से बिलासपुर में रह रही हूँ। इस बात का मुझे बहुत ही बहुत ज़्यादा आनंद है कि मेरे ही शहर में मेरी टीम मेरे मतलब परिवार के जैसे इन लोगों ने मेरे को आज सहयोग दिया है, इसलिए मैं आज पूरी टीम की बहुत आभारी हूँ।